देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। आप लोग आज हम यूपी में हैं, मिर्जापुर जिले में, जहां पे हमारे साथ हैं छानबे क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य राजेश नारायण तिवारी जी। ये कांग्रेस पार्टी से हैं। आइए हम लोग करते हैं इनसे खास बातचीत। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। बड़ी शुक्रिया। आप नए वर्ष में, नव वर्ष में क्षेत्रवासियों को और जिलावासियों को आप क्या कहना चाहते हैं नए साल के अवसर पर? हमारे तरफ से समस्त क्षेत्रवासियों को, समस्त जनपद वासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। नव वर्ष उनके लिए सुख शांति समृद्धि एवं ऐश्वर्य का वर्ष हो, उनके जीवन में खुशहाली आए, पूरे जनपद में नौजवानों को रोजगार मिले, तमाम विकास की नई नई योजनाएँ स्थापित हों, क्षेत्र हमारा विकास की निरंतर नई नई नए नए आयाम पर नई नई सीढ़ियों को चढ़े, अपने बुलंदियों को छुए, यही मेरी शुभकामना है। जैसा कि आप इस समय जिला पंचायत सदस्य हैं जी, जी छानबे क्षेत्र के जी, 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 और छानबे क्षेत्र में बहुत ऐसी मांगे उठती रहती हैं कि यहाँ पे ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। आपने अपने समय में क्षेत्रवासियों के लिए नया क्या क्या किए हैं? हमने जिला पंचायत सदस्य के रूप में, जिला पंचायत की सदन में इस क्षेत्र के विकास के लिए बहुत सारे मांगों को उठाया, जिसमें तमाम मांगे ऐसी रही हैं जिनको कि क्षेत्र में आप काम मूर्त रूप ले लिया है, काम हो गया है, तमाम काम ऐसे हैं जो बाकी हैं, होने के लिए हैं, प्रस्तावित हैं। और मैंने जनपद मिर्जापुर में मिश्रपुर से सीतामढ़ी गंगा नदी पर जो पांटून पुल का निर्माण हुआ है, वह किसी भी नेता को जानकारी नहीं थी और मेरे संज्ञान में था। मैं जब से यहाँ जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीत करके गया था, मेरी अभिलाषा थी, मेरी इच्छा थी, मेरी उत्कंठा थी कि मैं यहाँ पर पीपा पुल स्थापित के लिए प्रयास करूँ। और जनपद मिर्जापुर में 30 किलोमीटर के दायरे में शास्त्री ब्रिज से लेकर चुनार घाट तक 3 पक्के पुल बनाए जा चुके थे और भटौली घाट का पीपा पुल खाली हुआ था। मैं मुख्य अभियंता श्रीमान उस समय SP पांडे जी थे, उनको अपने साथियों के साथ, अपने भारतीय राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के साथियों के साथ मैं जाकर के पत्रक सौंपा और पत्रक पर उन्होंने आदेशित किया अधिशासी अभियंता मिर्जापुर को, उस पर आंगणन उन्होंने मंगवाया, आंगणन 3 प्रतियों में भेजा गया। मेरे प्रस्ताव पर शासन को, मुख्य अभियंता सेठ को भेजा गया वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के लिए। जैसा कि सरकारी अभिलेखों से स्पष्ट है, मान्यवर आपको भी अभिलेख मैंने उपलब्ध करा दिया है, उसी आधार पर कार्यवाही हुई और उसी प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति का जो प्रपोजल गया, जो प्रस्ताव गया, जो आगणन गया, वहाँ पर पीपा पुल स्वीकृत हुआ। और मैं क्षेत्रवासियों के लिए, मेरे जीवन, मेरे हृदय में जो उत्कंठा थी वह पूरी हुई नौ वर्ष पर। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत क्षेत्रवासियों को प्रणाम करते हुए आगे के लिए निरंतर लड़ाई जारी रखूंगा। कच्चा मार्ग है बसेवड़ा से सीतामढ़ी घाट तक, उसके लिए भी मैंने अपने अपर मुख्य अधिकारी को पत्रक दिया था, उन्होंने आंगणन मंगवा लिया है, जल्द ही उसका एस्टीमेट तैयार हो जाएगा। स्वीकृत के लिए मेरा प्रयास है कि जो कच्चा मार्ग है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, वह भी सड़क वहाँ तक, घाट तक बन जाए। आपने जो कहा कि पीपा पुल का निर्माण आपके माध्यम से हुआ है, इससे क्षेत्रवासी बहुत खुश हैं। इसके लिए तो हम जाके वहाँ पहले लोगों से पूछ भी चुके हैं, क्षेत्रवासियों से बातचीत भी कर चुके हैं, लोग खासा खुश हैं, खुशी की लहर है क्षेत्रवासियों में। लेकिन क्षेत्रवासियों का कुछ मांग और है, जैसे कि आपने लोगों के मांग को पूरा किया है तो लोगों का चाह और बढ़ता जा रहा है आपसे, तो उन्होंने यह कहा है क्षेत्रवासियों से बातचीत करते हुए, क्षेत्रवासियों ने यह भी बात प्रस्ताव रखा है कि आप यहाँ पे इस जगह से मिर्जापुर की दूरी 50 किलोमीटर है, अगर यहाँ का गरीब किसान वहाँ तक जाना चाहे, जैसे कि तहसील सिर्फ मिर्जापुर में है, अगर गरीब किसान तहसील जाता है तो 50 किलोमीटर जाना, 50 किलोमीटर आना, और कभी कभी जाने पे ये होता है कि जिनसे मिलना है वो नहीं है, तो आप क्षेत्रवासियों के लिए तहसील का दूसरा निर्माण यहाँ करीब में कराने के लिए क्या सोच रहे हैं? मैं अपने राजनीतिक जीवन में हमारे क्षेत्रवासी जो सोचते हैं उससे पहले मैं सोच लेता हूँ कि मुझे क्षेत्र में क्या करना है। मैं तहसील के लिए
जिला प्रशासन से करीब 4-5 साल पहले मैं डिमांड कर चुका हूँ। मेरे डिमांड पर, मांग पत्र पर मुझे यह कहा गया कि इस क्षेत्र में 2 ब्लॉक नहीं हैं, तहसील वहीं पर बनाई जाती है जहाँ पर 2 ब्लॉक होते हैं। चूँकि 96 सबसे बड़ा विकासखंड जरूर है, लेकिन विकासखंड अकेला है, एक विकासखंड है, और 2 विकासखंडों के लिए मैं 96 की जो का जो रिश्ता है उसको विभक्त नहीं करना चाहता हूँ। इतना बड़ा ब्लॉक है, गौरव की बात है, उसको विभक्त नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन 96 की तहसील के लिए मैंने एक सुझाव दिया जिला प्रशासन को कि कौन ब्लॉक और 96 ब्लॉक मिला करके एक तहसील बना दिया जाए और सारी कार्यवाही यहाँ तहसील से हो। सदर तहसील बहुत बड़ा है, उधर गंगा पार तक पड़ता है, सदर का एरिया है, उसका भी बोझ कम हो जाएगा। मैं पहले से ही प्रयासरत हूँ, चूँकि मैं सामाजिक वर्कर हूँ और कांग्रेस पार्टी की राजनीति करने की वजह से मेरी सरकार भी नहीं है, लेकिन मैं संघर्ष करता रहता हूँ, मुद्दे को उठाया हूँ और ईश्वर चाहें और क्षेत्रवासी अगर चाहेंगे उनका सहयोग रहेगा तो जरूर एक न एक दिन यहाँ पर तहसील का निर्माण होगा, 96 के नाम से तहसील होगा और मैं इस बात को शासन प्रशासन तक पहुँचाने का काम करूँगा। लोगों की आशाएं इसीलिए आपसे बढ़ रही हैं कि अगर आप काम कराते हैं तो क्षेत्रवासियों की आशाएं बढ़ती जाती हैं। अभी क्षेत्रवासियों का मांग है कि जैसे यहाँ क्षेत्र में हॉस्पिटल नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, गरीब किसान जो बीमार होते हैं, तकलीफ होती है, वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में नहीं जा सकते, उनको इलाज कराने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में जाना होता है, सरकारी हॉस्पिटल बहुत दूर है। तो उन लोगों का मांग ये है कि अगर बड़ा हॉस्पिटल नहीं तो एक छोटा हॉस्पिटल दे सकते हैं, जिससे वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद बाई एम्बुलेंस, सरकारी एम्बुलेंस से वो सरकारी बड़े हॉस्पिटल तक पहुँच सकें। तो इसके लिए आपका क्या सुझाव है? मैं जिला प्रशासन से, उत्तर प्रदेश शासन से यहाँ हॉस्पिटल के लिए प्रयास करूँगा निश्चित तौर पर, क्षेत्रीय जनता को लेकर के यहाँ पर हॉस्पिटल हो, बहुत उचित मांग है, आवश्यकता भी है, क्षेत्र लंबा है, एक सरोई हॉस्पिटल है जिसकी दूरी यहाँ से 20-25 किलोमीटर पड़ती है, कि कोई मरीज अगर बीमार हो जाए तो 25 किलोमीटर की दूरी तय करके जाने में, उसके बाद उसको स्वास्थ्य लाभ लेने में काफ़ी समय लग जाता है, इसलिए मैं इसके लिए काफ़ी प्रयास करूँगा और मुझसे जो भी हो सकेगा इस क्षेत्र के लिए मैं सदैव तत्पर रहूँगा। 2014 से 2019 तक जो केंद्र में राज्य स्वास्थ्य मंत्री रहे हमारे जिले के सांसद, मिर्जापुर के सांसद अनुप्रिया पटेल जी, उन्होंने इस पे क्यों नहीं ध्यान किया? जैसे कि आपने कहा कि हाँ हम और चीज़ों पे गौर करते हैं और इस पे हम कार्य करेंगे, तो अनुप्रिया पटेल जी इतने बड़े पद पे होते हुए ऐसा काम क्यों नहीं किए? माननीय मंत्री रही हैं, जिले की दोबारा सांसद हैं, काफ़ी पढ़ी लिखी हैं, विद्वान हैं, क्षेत्रीय जनता से वाकिफ हैं, क्यों नहीं किया यह प्रश्न उनसे ही आप कर सकते हैं, उसका उत्तर समुचित वही दे पाएंगे। अभी जो बीजेपी पार्टी CAA लेके आई है, नागरिकता संशोधन कानून लेके आई है, उस पे हर जगह लोग रोड पे उतरे हुए हैं, हर तरफ विरोध हो रहा है, आपको क्या लगता है, जैसे आप एक पार्टी से रिलेटेड हैं, आपको क्या लगता है कि ये जो नागरिकता संशोधन कानून सरकार लेके आई है ये देश हित के लिए है या नहीं? हम जिस दल की राजनीति करते हैं, हमारे दल के महापुरुषों ने जंगे आज़ादी की लड़ाई में सर्वधर्म संभाव की बलबेदी पर शहीद हुए हैं, बाकी मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद विद्वान हैं, देश की जनता जानती है, इस देश के लिए हमारे 2-2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए हैं हमारे दल के, और तमाम नौजवान इस शहीद हुए हैं इस देश को बचाने के लिए, बाकी मुझे कुछ कहना नहीं, पार्टी की जो राय है उसी राय में मेरी भी राय है। यह है 96 क्षेत्र मिर्जापुर के जिला पंचायत सदस्य राजेश नारायण तिवारी जी, और इसी के साथ कैमरामैन जयवंत के साथ चंद्रभूषण पांडे, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश।